श्रीनगर डल झील की तर्ज पर अब भोपाल के बड़े तालाब में भी शिकारा चलाया जाएगा। शुक्रवार को विधायक भगवान दास सबनानी और महापौर मालती राय ने इसका शुभारंभ किया। अब भोपाल के बड़े तालाब में भी शिकारा चलेगा, पर्यटक इस शिकारे का आनंद ले सकेंगे। विधायक भगवान दास सबनानी ने कहा कि तालों में ताल भोपाल है और यहाँ पर बड़ी तादाद में बाहर से लोग घूमने आते हैं, ऐसे में उन्हें बड़े तालाब में घूमने के लिए शिकारा उपलब्ध करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि राजधानी के सभी लोग कश्मीर की डल झील तो जा नहीं सकते, लेकिन डल झील का मजा अब भोपाल के बड़े तालाब में ले सकते हैं। तालों में ताल भोपाल ताल बाकी सब तलैया, ये तो हम शुरू से ही जब से होश संभाला ये कहावत सुनते आए। बड़े तालाब की खूबसूरती बढ़ाने के लिए यहाँ के हमारे प्रशासकों ने जनप्रतिनिधियों ने लगातार प्रयास किया है। यहाँ क्रूज भी चला, खेल की गतिविधियाँ भी हुई और क्रूज चलने के कारण यहाँ NGT ने माना कि डीजल से चलने वाले इस यंत्र के कारण यहाँ प्रदूषण फैलने की संभावना ज़्यादा रहती, उस पर रोक लगाई है, हमने स्वागत किया है। लेकिन नाविकों की भी आजीविका की चिंता और भोपाल के इस बड़े तालाब की खूबसूरती और पर्यटक और सैलानी जो जिस मोह के कारण जिस आकर्षण के कारण यहाँ आते उसको बरकरार रखने के लिए भोपाल की महापौर मालती राय जी ने और उनकी पूरी टीम ने जो प्रयास किया है कि अब लोगों को कश्मीर जाकर डल झील में वहाँ शिकारे में नहीं बैठना, हम शिकारा यही उपलब्ध करा रहे हैं। तो शिकारे के रूप में आज एक प्रतीक की शुरुआत हुई है, बड़े और अच्छे तरीके से यहाँ और अच्छा कर सके ताकि सैलानी और पर्यटक जो है और तेज़ी के साथ भोपाल में आए। भोपाल में और पर्यटकों के आने से इसकी चर्चा और ज़्यादा होगी। आज फिल्मकार लेखक साहित्यकार सबके मूल में रहता है कि भोपाल तालाब के आसपास कुछ लिखा जाए कुछ किया जाए, तो मुझे लगता है इसमें और बढ़ोतरी होगी और अधिक इसमें आकर्षण बढ़ेगा। मुझे लगता है आज के इस अवसर पर मैं भोपाल की पूरी टीम को बहुत बधाई देता हूँ। भोपाल की महापौर मालती राय ने कहा कि अभी केवल एक शिकारा ही चलेगा, हम इसे एक एग्जाम्पल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर ये सफल होता है तो आगे भी शिकारा इस तालाब में उतारे जाएंगे जिससे पर्यटक भी बढ़ेंगे और नगर निगम की आर्थिक स्थिति भी सुधरेगी। हालांकि पर्यटकों को हम बता दें कि ये शिकारा कश्मीर जैसा शिकारा नहीं है, इसको भोपाल का शिकारा जरूर कहा जा सकता है। भोपाल की जनता को आनंद उठाने का अवसर भोपाल नगर निगम ने दिया है। आज हमने एक नाव को शिकारे के रूप में परिवर्तित किया है। भोपाल की जनता को नई सौगात मिल सके, जनता को यह महसूस हो जब वो बोट क्लब पर आए कि हम कश्मीर क्या हुआ है और इस शिकारे में आकर वो प्रसन्न का। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।